अमेरिका में मनाई जाएगी फुलेर अंबेडकर जयंती। अमेरिका में मनाया जाएगा दलित हिस्ट्री मंथ। दुनिया भर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब की धूम। पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके तीन गुरुओं में से एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के नाम का डंका बज रहा है। भारत में तो अप्रैल का महीना दलित बहुजनों के लिए सबसे बड़े उत्सव का महीना होता ही है, लेकिन अब पूरी दुनिया में अप्रैल को बहुजन नायक नायिकाओं के सम्मान में समानता माह के तौर पर मनाया जा रहा है। अमेरिका के मिशिगन और वाशिंगटन स्टेट में न सिर्फ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, बल्कि पूरे अप्रैल को दलित हिस्ट्री मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। मिशिगन और वाशिंगटन राज्य के गवर्नर्स ने इस बारे में आधिकारिक चिट्ठियां भी जारी कर दी हैं। मिशिगन के गवर्नर ग्रेचन वाइटमर ने अपने सूचना पत्र में लिखा, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के महान कार्यों की वजह से भारत के सभी वर्गों की जिंदगी में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार आया है। इन समाज सुधारकों के काम को आधुनिक भारत में करुणा और अहिंसा को गले लगाने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए मान्यता प्राप्त है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के समाज के निर्माण के लिए अग्रणी है। सप्ताह भर चलने वाली जागरूकता गतिविधियां भारत में इन समाज सुधारकों को सम्मानित करने के लिए हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बेहतरी के लिए काम किया। इसलिए मैं मिशिगन के लोगों की ओर से बतौर गवर्नर 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में घोषित करता हूँ। यानी अब पूरी दुनिया हमारे महानायकों के योगदान को न सिर्फ सराह रही है, बल्कि उसे सेलिब्रेट भी कर रही है। अमेरिका के ही वाशिंगटन राज्य में पूरे अप्रैल महीने को दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर मान्यता दी गई है। गवर्नर की ओर से जारी की गई चिट्ठी में लिखा है, वाशिंगटन मूल अमेरिकी, काले और एशियाई जैसी नस्लीय और जातीय आबादी सहित कई नस्लों और जातियों की विविध आबादी का घर है। पूरी दुनिया में अलग अलग नस्लों के लोग नस्लवाद, अन्याय और भेदभाव से गुजर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और वाशिंगटन राज्य का संविधान सभी वाशिंगटन वासियों के मानवाधिकारों, गरिमा और समानता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल दलित समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस विशेष महीने में महत्वपूर्ण दलित नेताओं और समाज सुधारकों जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और समाज के सभी वर्गों के लाखों लोगों और महिलाओं के जीवन को ऊपर उठाया और उन्हें आधुनिक भारत और अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। ये महीना सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों और गरिमा के प्रति समर्पण की विरासत को याद रखने और सम्मान देने का एक अवसर है, जो वाशिंगटन और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। ये महीना भारत में हाशिए पर पड़े दलित समाज के लोगों की मुक्ति का जश्न मनाने और यहाँ वाशिंगटन में उन्हें फलने फूलने का मौका देने के लिए भी सेलिब्रेट किया जाएगा। इसलिए हम अप्रैल को दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर घोषित करते हैं। ये पहली बार है जब अमेरिका में इस तरह से पूरे अप्रैल महीने को दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर मान्यता दी गई है। दलित हिस्ट्री मंथ दरअसल भारत और दुनिया भर में बसे अंबेडकर वादियों की ओर से महीने भर मनाया जाने वाला उत्सव है। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है। इसलिए पूरे महीने एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़े कार्यक्रम होते हैं, जहां न सिर्फ दलित बहुजन नायक नायिकाओं के कामों को याद किया जाता है, बल्कि जाति के खिलाफ सदियों से चल रहे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक भावना को भी व्यक्त किया जाता है। अमेरिका में दलित हिस्ट्री मंथ को मान्यता मिलना और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को मनाया जाना दुनिया भर के अम्बेडकर वादियों के लिए गर्व की बात है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम अंबेडकरवादी पत्रकारिता का ये कारवां यूं ही आगे बढ़ाते रहें, तो आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके सीधे हम तक मदद पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप UPI और अकाउंट डिटेल्स में भी अपनी मदद को भेज सकते हैं। साथियों, आपसे अपील है, हमें सोशल मीडिया के हैंडल्स पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।